नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तब आपका सीधा जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हमें इतिहास के किताबों में स्कूल में यही पढ़ाया गया कि जवाहरलाल नेहरू भारत की पहली प्रधानमंत्री थे, जबकि वास्तविकता को हमसे बहुत दूर रखा गया। आजादी के समय के कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को उजागर नहीं होने दिया और सत्ताधारियों के पक्ष में इतिहास लिखा। सच्चाई यह है कि भारत की पहली आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस सरकार को आजाद ही सरकार ही कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की एक सरकार बनी थी, जिसे आजाद हिंद सरकार कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत के इस आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस के ये सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। आजादी के बाद की सरकार ने आजाद हिंद फौज और उसके योगदान को दरकिनार कर दिया और आज आजाद हिंद सरकार के काटने के 75वें साल में देश की मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा सरकार ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दिया था। 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी और हर साल मनाई जाएगी। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री लाल किला का दौरा करी थी और वहां भारत के कोने कोने से आए हुए आजाद हिंद फौज के बचे हुए सिपाहियों को सम्मानित करी थी। आजाद हिंद फौज के वो तमाम सिपाही जो जंगे आजादी में शामिल थे, तब उनको जीवन के अंतिम पड़ाव में ही सेम लेकिन एक पहचान मिली, जिसके आस में ये लोग शायद अब तक जिंदा थी। एक प्रश्न जो अक्सर हम जैसे भारतीयों को व्यतीत करता रहा है कि क्यों सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कमतर रखा गया। आखिर क्यों इन सिपाहियों को वो सम्मान, वो पहचान नहीं मिल पाए जो उन्हें बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। आजाद हिंद सरकार के बारे में अब बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस इसके पहले प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एससी चटर्जी इंडियन नेशनल आर्मी के वित्त मंत्री थे। एस अय्यर इस सरकार के प्रचार मंत्री थे और राज बिहारी बोस इसके प्रमुख सलाहकार थे। आजाद हिंद सरकार के स्थापना के समय सुभाष चंद्र बोस ने शपथ लेते हुए कहा था कि ईश्वर का नाम पर मैं ये पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को आजाद करूंगा। वो आजाद हिंद सरकार ही थी जिसने ये तय किया कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा। ये सर्वप्रथम आजाद हिंद सरकार का ही निर्णय था। इन सब के बावजूद लोग अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करेंगे, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1933 को आजाद हिंद सरकार के एक गठन के बाद 23 अक्टूबर को ही आजाद हिंद फौज ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध ने कूद पड़ी थी। आजाद हिंद सरकार ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्माओं के रास्ते भारत में प्रवेश की योजना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा की राजधानी रेंगून में अपना मुख्यालय भी बनाया था। 30 दिसंबर 1930 में आजाद हिंद फौज में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आजाद भारत का झंडा लहराया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस फौज ने कोहिमा, पलील आदि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी शासन से आजाद करवा लिया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों को मर्मित शब्द से कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्र की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सत्यंजा की देवी की मांग है। आजाद हिंद फौज में वीर भाव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भारी बारिश होने के बजाय ये सेना कोहिमा से आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि दुश्मन बलों विमानों से हमला कर रहा था, जबकि इंडिया नेशनल आर्मी के पास वायु सेना नहीं थे। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने यह धजाड़ी रखा। 1945 में अमेरिका द्वारा
भाजापन पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण बंद कर दिया, जो सुभाष चंद्र बोस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों से लड़ाई जारी रखी। कहा जाता है कि इसी क्रम में 18 अगस्त 1945 में ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। साल 1946 में जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली भारत आया, जिसने भारत की आजादी के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तब उनसे पूछा गया कि 1942 में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था, 1945 में अपने विश्व युद्ध भी जीत लिया था, तो फिर ऐसे में ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी। तब क्लीमेंट इटली ने हंसकर जवाब दिया कि हमने भारत को गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के बजाय नहीं छोड़ा। भारत छोड़ने में गांधी जी का प्रभाव न के बराबर था। हमारा भारत छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उनकी पूरी व्यक्तित्व, उनकी पूरी जिंदगी किसी रंगमंच से कम नहीं है। अगर आप लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि इतिहासकारों ने इतने महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी को छुपाकर इस देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।